नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने शहर के 3 प्रतिष्ठा फार्मों पर छापेमार कार्रवाई की है। यहाँ से 5 खाद्य सामग्रियों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें लैब में भेजे जाएंगे। लैब से रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। सर बताइए, किस तरह की कार्रवाई और कहां पर कार्रवाई? ये जो शासन द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज अभिहित अधिकारी नीमच के निर्देशानुसार 3 फर्म पर कार्रवाई हुई है और तीनों जगह से कुल 5 नमूने जाँच में लिए हैं। पहला ये रामकृष्ण ऑयल मिल है इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ से मूँगफली तेल का सैंपल जाँच में लिया है, वो मूँगफली तेल का निर्माता है। उसके बाद ये माहेश्वरी टी कंपनी है औद्योगिक क्षेत्र में, यहाँ से चाय पत्ती का नमूना जांच में लिया है। और ये गोयल जनरल स्टोर जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ से 3 नमूने जांच में लिए हैं। एक सौंफ है उसका लिया है, दूसरा लक्ष्मी ब्रांड करके मूंगफली तेल है उसका 15 केजी का जो टीन है उसको खोल कर नमूना लिया है। और एक गोरू ब्रांड से मिर्ची पाउडर आता है, ये 3 नमूने यहाँ से जाँच में लिए हैं। इन सभी सैंपल्स को जाँच में भेजा जाना है, जैसे ही रिपोर्ट आती है संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।